झांसी के जिला अस्पताल सभागार में केंद्र सरकार द्वारा संचालित स्वच्छ भारत मिशन के तहत कायाकल्प अवार्ड सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें कई स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित किया गया। बुधवार को जिला चिकित्सालय सभागार में केंद्र सरकार द्वारा संचालित स्वच्छ भारत मिशन के तहत कायाकल्प अवार्ड सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम हर वर्ष आयोजित किया जाता है, परंतु पिछले वर्ष कोविड-19 महामारी के चलते इसे स्थगित कर दिया गया था। इस बार 2019-2020 का सम्मान समारोह सम्मिलित रूप से आयोजित किया गया। ये सम्मान चिकित्सा विभाग में अपने क्षेत्र में गुणवत्ता पूर्वक कार्य करने हेतु प्रदान किया जाता है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में झांसी के महापौर रामतीरथ सिंघल, विशिष्ट अतिथि के रूप में मंडलीय प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर के गुप्ता, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जी के निगम, डॉक्टर सुमन एवं स्वास्थ्य सेवा संबंधित समाज सेविका देवप्रिया उक्सा उपस्थित रहे। सम्मान समारोह में 42 डॉक्टर, 105 स्टाफ नर्स, 29 हाउसकीपिंग स्टाफ, 18 क्लीनिंग स्टाफ, 22 वार्ड बॉय व 12 लैब टेक्नीशियन सहित कुल 299 कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान महापौर रामतीरथ सिंघल ने कहा कि ये हमारे जिले के लिए गौरव का विषय है। ये हमारे जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य सेवाओं व व्यवस्थाएं उत्कृष्ट स्तर की हैं। इसके लिए हमारे डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, क्लीनिंग स्टाफ आदि सम्मान के हकदार हैं। आज यहाँ झांसी के जिला चिकित्सालय में केंद्रीय सरकार का जो स्वच्छ भारत मिशन है उसके अंतर्गत कायाकल्प अवार्ड योजना का जो कार्यक्रम है वो यहाँ आज आयोजित किया गया था। मैं गर्व के साथ में ये कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जिला चिकित्सालय झांसी की सेवाएं और व्यवस्थाएं उत्कृष्ट स्तर की हैं, और इसके लिए जो हमारे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल के जो हमारे सहयोगी हैं, सिस्टर्स हैं, स्वच्छता कर्मचारी हैं, उन सबको आज सर्टिफिकेशन किया गया है और पुरस्कार प्रदान किया गया है। हम लोग यहाँ पर आए थे कायाकल्प अवार्ड सम्मान समारोह में, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने कोविड काल में सबसे ज़्यादा काम किया है, घरों से बाहर निकल के काम किया था। आप सबको याद होगा जब हम घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, लोगों की मदद नहीं कर रहे थे, सब कुछ बंद था, लेकिन ये लोग अपने घर से बाहर निकले, ना दिन देखा ना रात देखी, और ये काम करते रहे। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि जब तक प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे आज हमारे मेयर, प्रिय मेयर साहब ने भी कहा कि प्रोत्साहन के बिना कोई आगे नहीं बढ़ता है, कुछ तो उसको चाहिए, तो बस आज वो छोटी सी एक भेंट हमारी तरफ से उनके लिए। झांसी से रवि परिहार की रिपोर्ट।